बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, ब्रजवल्लभ लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, गुरु चरणारविंद की जय। राधाष्टमी की सभी प्रेमी भक्तों को बहुत बहुत बधाई। हमारी राधा रानी करुणामयी कृपामयी दयामयी, जिनका जन्मोत्सव हम लोग आप लोग सभी मनाएंगे, ये हम आप सबका सौभाग्य है कि हम अपनी स्वामिनी श्री राधा रानी का प्राकट्य उत्सव मना पाएंगे। हमारी राधा रानी कितनी करुणामयी है और उनका क्या व्यक्तित्व है, हमारे ब्रज के रसिक तो लिखते हैं, रा अक्षर के सुनत ही मोहन होत विभूर, रा अक्षर के सुनत ही मोहन होत विभूर, बसो निरंतर नाम सो श्री राधा मन मोह, बसो निरंतर नाम सो श्री राधा मन मोह। हमारे ब्रज के संतों ने लिखा है कि राधा नाम का श्रवण करते ही हमारे लाडले श्याम सुंदर विभोर हो जाते हैं। विभोर होने का मतलब है मस्त हो जाना, आनंद में डूब जाते हैं। ऐसा जो राधा नाम है जिसका श्याम सुंदर श्रवण करते ही विभोर हो जाते हैं, यही राधा नाम सदा मेरे मन में आकर के निवास करे, मेरे मन में आकर के सदा के लिए बैठ जाए, हर दिश राधा नाम मेरी जिभ्या लेती रहे, ऐसी भावना ऐसी प्रार्थना हम श्री राधा रानी के चरणों में करते हैं कि ये राधा अष्टमी का जो महामहोत्सव है इसमें हमें बधाई रूप में श्री राधा रानी कृपा करके और अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें, यही मंगलमयी प्रार्थना करते हैं। राधा नाम का जो महात्म है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में हम जाएं और वहाँ श्रवण करें तो जब श्री गर्गाचार्य जी महाराज वृंदावन में पधारे, गोकुल में आए और श्री कृष्ण का नामकरण करने के लिए, तब श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने जो राधा नाम का महात्म कहा है, अभूतपूर्व बात कही है। उन्होंने तो एक एक शब्द का इतना सुंदर वर्णन किया है कि गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि राधा नाम को साम वेद में गान किया गया है। हमारे जो चार वेद हैं उसमें से साम वेद में श्री राधा नाम की महिमा का गान किया गया है और हमारे जो उत्पत्ति है राधा नाम की वह साम वेद में से है। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो राधा नाम का र अक्षर है, र केवल र हम यदि उच्चारण करते हैं तो वह हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों की जो पाप राशि है उसका नाश कर देता है और जो कर्म भोग है उनसे हमारा छुटकारा करा देता है, केवल र। और जब हम उसमें आकार लगा देते हैं, रा उच्चारण करते हैं, तो वह आकार गर्भवास मृत्यु और रोग को दूर कर देता है, ऐसी राधा नाम की महिमा है। और जब हम धाका उच्चारण करने जाते हैं तब जो आयु की हानि जो हमारी है उसका नाश हो जाता है, और जो उसमें भी हम जब आकार लगा देते हैं धा शब्द का उच्चारण करते हैं तब तो हमारे गर्गाचार्य जी कहते हैं कि जीव को भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। तो जिनको रोग नाश कराना है, जिनको अपनी आयु कम है वे बढ़ानी है, तो ऐसे जो सकाम भावना वाले लोग भी हैं वे भी राधा नाम का उच्चारण करें तो वे भी भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसको कहते हैं अलविली सरकार, जो सकाम भावना से नाम ले उसको भी भव बंधन से मुक्ति, और जो निष्काम भाव के उपासक हैं जिन्हें सांसारिक कोई लाभ नहीं चाहिए,
सांसारिक वस्तु नहीं चाहिए, केवल और केवल अपने मन को श्री कृष्ण चरणार विंदों में ही समर्पित रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों को तो राधा नाम का ही उच्चारण करना चाहिए। हमारे गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति निष्काम भाव वाला जब र अक्षर का उच्चारण करता है, जब र अक्षर का उच्चारण करता है तो उसको श्री कृष्ण के चरणार विंदों में निश्चल भक्ति प्राप्त हो जाती है। बताइए, रा अक्षर के उच्चारण मात्र से हमें ये वस्तु प्राप्त होती है, और जब हम उसमें आकार लगाते हैं, रा कहते हैं, तब तो महाराज तब तो सर्ववांछित ईश्वर की ही प्राप्ति हमें हो जाती है, और जब हम धा शब्द का उच्चारण करते हैं तब तो गर्गाचार्य जी महाराज ने इतनी सुंदर बात कही है कि ध अक्षर का उच्चारण करके तो श्री हरि के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, और जब हम उसमें भी आकार लगा देते हैं, धा शब्द का उच्चारण करते हैं, तब तो हमारे स्मृति पटल पर अहरनिश श्री हरि की हरि का ही स्मरण बना रहता है, उन्हीं की स्मृति बनी रहती है सतत। तो इतना अलभ्य लाभ हमको केवल श्री राधा नाम के उच्चारण से ही प्राप्त हो रहा है। इसीलिए तो संतों ने लिखा कि ऐसा जो राधा नाम है वह हमारे मन में आकर के निवास करे, ऐसी जो राधा रानी करुणामयी है। गर्गाचार्य जी कहते हैं, नंद बाबा जो श्री राधा नाम का उच्चारण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, तो उनके रोग, शोक, भय, मृत्यु सब नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि यमराज भी कांपने लगता है कि इस व्यक्ति के पास तो मुझे जाना ही नहीं है। तो राधा रानी की इतनी महिमा है। तो आइए इस राधा अष्टमी पर हम लोग, आप लोग एक प्रण करें कि अब राधा नाम हमारे स्मृति पटल पे से कभी दूर ना हो, अब तो सतत राधे 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 करते रहना है, और वृंदावन की याद बनाए रखना है, जिससे कि हृदय में ही हृदय कमल का वृंदावन, हृदय कमल का सिंहासन बने कृष्ण का वृंदावन। ठाकुर मेरा मुरली वाला, मन मेरा ब्रज वाला हो, ये हमारी स्थिति हो जाए, जिससे कि इसी जन्म में हमको हमारे प्यारे श्याम सुंदर, हमारी स्वामी राधा रानी के चरणों की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। आइए सब मिलकर के प्रेम से कहेंगे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, गुरु चरणारविंद की जय। बोलो, बरसाने वाली राधा रानी की जय, गहबर बन वाली राधा रानी की जय, ऊंचे महलन वाली राधा रानी की जय।